हमारा मन यहाँ पर चल रही है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, आज भी आप ये माहौल देख रहे हैं, लगातार आप इसके संपर्क में क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही कहना आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री से और कलेक्टर साहब से, तत्काल तराना विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले में यूरिया की व्यवस्था करें। हमारे किसान भाई सुबह यहाँ 5 बजे से 6 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं और यूरिया की व्यवस्था नहीं, तो हम तत्काल मांग करते हैं। और ये चेतावनी देना चाहता हूँ मैं स्थानीय प्रशासन शासन को और मुख्यमंत्री जी को कि तत्काल किसानों के लिए यूरिया की व्यवस्था करें। अगर यूरिया की व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले 1-2 दिन में हम SDM कार्यालय का घेराव करेंगे और ये लड़ाई, किसानों की लड़ाई को जिला स्तर से लेकर भोपाल तक लेके जाएंगे। पर इस समय मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये किसान भाइयों को यूरिया उपलब्ध कराने का समय है, इफको DAP उपलब्ध कराने का समय है। तो हम मुख्यमंत्री जी, आप राजनीति छोड़ के सबसे पहले इधर किसानों की तरफ देखें। पूरे मध्य प्रदेश और खासकर उज्जैन जिले और तराना में आप देख रहे हैं सुबह से हमारे हजारों की संख्या में किसान भाई भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, तो इनको तत्काल यूरिया की व्यवस्था कराए, नहीं तो आने वाले 1-2 दिन में बड़ा भव्य आंदोलन होगा और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होगी, SDM की होगी, स्थानीय शासन प्रशासन की होगी। सर, ये जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि यूरिया की कमी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरीके से कालाबाजारी हो रही है, अन्य जगहों पर जाए इनका सेंटर निश्चित रूप से दूसरी जगह उतारे कालाबाजारी, बिल्कुल प्रशासन के साथ मिलकर 400-500 रुपए में ब्लैक में किसान यूरिया बेकार दिया जा रहा है, किसान भाई को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ और ये लड़ाई हम जब रोड पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो किसान भाइयों को ठगने का काम कर रहे हैं वो ठगना बंद कर दें, नहीं तो उनका काला मुंह कांग्रेस पार्टी और किसान भाइयों के साथ मिलकर हम करेंगे। और तत्काल किसानों को अगर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया तो आने वाले समय में इनका जीना हराम कर देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसान भाई, मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन तत्काल किसानों को यूरिया उपलब्ध कराएं। मेरी बात SDM मैडम और कलेक्टर साहब आपके माध्यम से सुन लें, तत्काल तराना विधानसभा क्षेत्र में किसान भाइयों को अगर यूरिया की आपूर्ति नहीं की तो हम आने वाले समय में लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कब से खड़े हैं आप? सुबह 5 बजे से। काय के लिए खड़े हैं? खातर के लिए। तो ये इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा? क्या ये ब्लैक में बेच रही है 500 की बोरी बाहर ब्लैक में? हाँ, कौन बेच रहा है जानकारी? ये जानकारी रहते तो हम पकड़ लेते नहीं उनको 500 की। आरोप लगा रहे हैं तो थैली उन कहाँ जा रही है? इतना खातर आया कहाँ गया? आपका आरोप है तो ब्लैक से मिल रही है। यहाँ पर आप कब से लाइन में लगे? सुबह 5 बजे के लगे।